कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित का 101 भी थी, आपका यहाँ पर रियल पेपर आ चुका। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे गणित का यहाँ पर रियल पेपर, और फाइनली आपके यहाँ पर गणित पेपर आ चुका। आप यहाँ पर देख ली पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर है और बिल्कुल आपका यही पेपर आने वाला। ठीक है स्टूडेंट, आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर रट के अच्छे से सॉल्व करके जाना, बिल्कुल आपका यही पेपर आएगा। साथ वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए घंटी और प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपको यहाँ पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। साथ वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके आते हैं सही बेगर चुनकर लिखे 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था माना समुच्चय, ठीक है, एन में आर बराबर इतने इतने द्वारा प्रदत्त संबंध है, तब निम्न में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला सी, ठीक है, आपके यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा पहले का। फिर दूसरा आता है एक्स में प्रतिबंध आर ए बी, ठीक है, आप यहाँ पर देते जहाँ ए बी सी को संतुष्ट करने वाला संबंध आर है, तो आपका सम्मेय संबंध, बात है स्वतल संबंध, और सी है संक्रामक संबंध, और डी है रिक्त संबंध। तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा, संक्रामक संबंध है। फिर आपका आता है तीसरा, तो तीसरे का आपका करेक्ट आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, तो तीसरे का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा एक। फिर आपका चौथा आता है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक आवयुह है, तो आपके आवयुह बताना है, तो कौन सा आवयुह रहेगा, पंक्ति आवयुह, स्तंभ आवयुह, वर्ग आवयुह, विकर्ण आवयुह। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, स्तंभ आवयुह। फिर पाँचवा था एक विषम सम्मित आवयुह के विकर्ण का प्रत्येक अवयव होता है, शून्य होता, धनात्मक होता, ऋणात्मक, ठीक है, अवास्तविक। तो यहाँ पर एक विषम सम्मित आवयुह के विषम विकर्ण का प्रत्येक अवयव होता है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, शून्य। फिर आपका यहाँ पर आता है छेमा, यदि एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स साइन एक्स, तब एफ एक्स का मान होगा, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा एक। ठीक है, छेवीं का आपका एक करेक्ट आंसर रहने वाला है एक। फिर आपके आते हैं एडिक्स स्थानीय पूर्ति के 7 नंबर के आते हैं, तो आप यहाँ पर टेन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स के सापेक्ष अवकलन डोट होगा, तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा 2x sec inverse x square plus 5। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, तो आपको यहाँ पर कोटि के आवयुह में इतने इतने कोटि के आवयुह में अवयवी संख्या डॉट डॉट है, तो जो आपके यहाँ पर अवयवी संख्या रहेगी वो आपकी 6 रहेगी। ठीक है, तो आपके यहाँ पर दूसरे करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पहले का आंसर है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है रेखिक अवकल समीकरण, dy/dx प्लस वाई टेन एक्स बराबर साइन एक्स का समाकलन गुणांक आ, ठीक है, आई इंटू सॉरी आई एफ डॉट डॉट है, तो आपके यहाँ पर रहने वाला तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर सेक एक्स, ठीक है, आपका तीसरे का आंसर यहाँ पर सेक एक्स रहेगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर लंबवत हो, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर होगा, तो चौथे का आंसर आपका क्या रहेगा, चौथे का आंसर आपका रहेगा रहने वाला आंसर जीरो। ठीक है, चौथे का आंसर आपका यहाँ पर जीरो हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है पंक्ति आवयुह में पंक्तियों की संख्या दोनों होती है, तो पंक्ति आवयुह में पंक्तियों की संख्या एक होती है, तो पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर एक हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, पाँचवें का आंसर आपका एक रहेगा। फिर आपके यहाँ पर छठवां आता है, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है, तो पी ए यू बी बराबर होगा, तो आपके यहाँ पर छठवें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, छठवें का आंसर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। अब आता है आपके यहाँ पर देख सकते हैं, फिर आपके यहाँ पर आता है सातवां, तो सातवां आप यहाँ पर देख लीजिए, सातवें का आंसर आपका क्या रहेगा, सातवें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, तो ठीक है 6 रहेगा। तो आप यहाँ पर देखते इस तरह से आपके यहाँ पर देखते इस तरह का सोल्यूशन है, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर देखते इस तरह का सोल्यूशन है। अब चलिए प्रश्न 3 आता है, जिसमें आती है आपकी सही यूनिट 6 नंबर की, तो पहली आपके यहाँ पर आती है समाकलन डी एक्स बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको आपको बी से मैच कर देना है। फिर आपकी दूसरी आती है, दूसरी को आपको यहाँ पर सी से मैच करना, जो तीसरी आपकी आती है तीसरी सही जोड़ी को मैच करना आपको डी से, जो चौथी आती है चौथी मैच करना आपको ए से, ठीक है, पाँचवीं आपकी सही जोड़ी आती है पाँचवीं आपको सामने ही मैच कर देना, और जो छठवीं आती है जो छठवीं सही जोड़ी है इसे भी आपको सामने ही मैच कर देना। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके आते हैं एक शतभाग में उत्तर लिखिए, तो आपको इतने इतने का आपको मान बताना, ठीक है, तो पहले का आंसर आपका रहेगा 4, जो आपका मान निकल के आएगा वो आपका यहाँ पर 4 निकल के आएगा, तो पहले सॉरी एक रहेगा आपका, पहले का जो मान निकल के आएगा वो आपका एक निकल के आएगा, तो पहले का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता है एक वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर पर आर के हिसाब से क्षेत्रफल में परिवर्तन दर क्या है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 6π। दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर 6π करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका तीसरा आता है कॉट इनवर्स एक्स का प्रांत लिखिए, तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 0π, ठीक है, तीसरे का आंसर आपका 0π हो जाएगा। फिर जो आपका चौथा आता है, यदि ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के अनुदेश एक मात्रक सदिश लिखिए, तो चौथे का आंसर आप यहाँ पर
वन बटे में अंडर रूट तीन आई के प्लस जी के प्लस के कैप, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं आपका रहने वाला चौथी का आंसर। फिर आपका पाँचवा आता है दो बिंदु एक दो तीन एवं दो तीन चार को मिलाने वाली रेखा के द्विक अनुपात लिखिए, तो पाँचवें का आंसर आपका रहेगा एक एक एक, ये आपका यहाँ पर पाँचवें का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर छवां आता है दुर्घटना ई और एफ को क्या कहते हैं यदि इतने इतना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर छवें का आंसर रहेगा स्वतंत्र घटना है, ठीक है। छवें का आंसर आपके यहाँ पर स्वतंत्र घटनाएँ हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर आपका आता है तो यहाँ पर देखिए इतने का मान आपको लेकिन निकालना है, तो सातवें का आंसर आपके यहाँ पर जो मान निकल के आएगा वो जीरो निकल के आएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं एक शतभाग मोहतक कम्प्लीट, ये आपके यहाँ पर एक शतभाग मोहतक सॉल्यूशन है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर हमने आपके एक शतभाग मोहतक करा दी है, आप चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए सत्तर जो इच्छे नंबर के आते पिलाता है। तो पहला आपका यहाँ पर क्या रहेगा, पहला रहेगा आपके यहाँ पर, ठीक है, पहला आपके सत रहने वाला है। तो पहला आपके यहाँ पर रहेगा सत, और फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन एक्स इनवर्स, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहने वाला असत, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पर असत हो जाएगा, और फिर तीसरा आता है प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, तो ये आपके यहाँ पर रहने वाला सत्य आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर एक समघाती अवकल समीकरण है, तो ये भी आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। और फिर आपके यहाँ पर पाँचवा आता है तो पाँचवा भी आपके यहाँ पर रहने वाला है, पाँचवा रहेगा आपका असत्य, पाँचवा आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। और जो छः माह दो सदिशों के एक के लिए साचर नियम का पालन होता है, तो ये आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य सत्य हो जाते हैं कंप्लीट। अब चलिए प्रश्न छः आता है, तो प्रश्न छः देख लीजिए, इसका अर्थ हुआ था तुल्यता संबंध को परिवर्तित कीजिए। इसमें आपको यहाँ पर सत्यापित करना है और इसमें आपको एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। फिर आपके यहाँ पर आता है आठवा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। फिर आपका अर्थ हुआ था तो अर्थ देख लीजिए, ठीक है। फिर आपको नवा था एक वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर की सापेक्ष ज्ञात की, जबकि आर बराबर 5 सेंटीमीटर, इसका अर्थ देख लीजिए। फिर आपका दसवां आता है जिसमें आपको मान ज्ञात करना है, और इसका अर्थ होता है तो अर्थ में भी मान ज्ञात करना है। आपको ग्यारहवा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सिद्ध करना है, और इसका अर्थ देख लीजिए मान ज्ञात कीजिए। बारहवा क्वेश्चन आता है तो बारहवा क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है तेरहवा प्रश्न, तो तेरा प्रश्न आप यहाँ पर देखिए चौदह पर जल्दी से स्क्रीन शॉट आपको यहाँ पर लेते चलिए, ठीक है। आपको स्क्रीन शॉट लेते चलना है। तेरहवा प्रश्न देखिए चौदहवा प्रश्न सोलहवा सत्रहवा इतने का पूरा आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और फिर आप यहाँ पर इतने का, ठीक है। फिर से हम आपको दिखा देते हैं, फिर तो आप इतने का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, पूरा आपका रियल पेपर करा रहे हैं, फिर आपको यहाँ पर इतने स्क्रीन शॉट ले लेना है। पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर पूरा पेपर देने से पहले इससे सॉल्व करके आपको जाना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं अठारहवा क्वेश्चन, तो अठारहवा था फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स महत्तम मान ज्ञात करो, अथवा सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उचिष्ट होता है। फिर आपको उन्नीसवा आता है उन्नीसवा प्रश्न देख लीजिए, बीसवा प्रश्न है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। पूरा आपका 101 आपका यहाँ पर रियल क्वेश्चन पेपर है, इक्कीसवा प्रश्न 22वां 23वां, तो फाइनली पूरा पेपर आपका हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। और साथ ही जो आपके क्वेश्चन इनका सॉल्यूशन आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।